बैडलैंड हंटर्स जो कि नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई एक साउथ कोरियन मूवी है, मैंने इसको हिंदी में देखा। और इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी में हमको कहानी देखने मिलती है साउथ कोरिया की, जहां पर एक बहुत बड़ा भूकंप आया है और ये भी कहा जाता है पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है, लेकिन पूरे मूवी में सिर्फ तो सिर्फ साउथ कोरिया देखने मिलता है। यहाँ पर बहुत बड़ा भूकंप आया है, ये हम कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर बहुत बड़ा भूकंप आया जिसके वजह से पानी की बहुत कमी हो गई है। करेंसी और गोल्ड जैसी चीजों का यहाँ पे कोई मूल्य नहीं है, इकोनॉमिक पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। उसमें से कुछ ही वुमेन्स बचे हैं, तो हमारे हीरो और कुछ लोग कैसे सरवाइव करते हैं उस दुनिया के अंदर, वो मूवी के अंदर देखने मिलता है। अरे यार मैं भूल जाता हूँ, मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज, वीडियो को लाइक भी। लेकिन हमारे हीरो का जो भतीजा है एक लड़की को बहुत पसंद करता है और उस लड़की को कुछ लोग यानी कुछ गुंडे उठाकर ले जाते हैं अपने साथ, तो ये लोग उन लोगों के चंगुल से उस लड़की को कैसे बचाते हैं वो आपको इस मूवी के अंदर देखने मिलता है। और जो लोग उस लड़की को उठा ले गए हैं वो नॉर्मल लोग नहीं है, सुपर ह्यूमंस हैं, वो लोग मारे जाते ही नहीं। तो ऐसे में हमारे हीरोस क्या कुछ करते हैं उस लड़की को बचाने के लिए, हमको इस मूवी के अंदर देखने मिलता है। ये मूवी फैमिली के साथ बिल्कुल भी नहीं देख सकते, ये मूवी अडल्ट तो नहीं है लेकिन मूवी में बहुत सारा खून खराबा ब्रूटल सीन्स है, किसी का सर काटा जा रहा है, किसी के हाथ पैर काटे जा रहे हैं, बहुत सारे बुलेट वाले सीन्स हैं, एकदम खून खराबा दिखाया गया है। और एक सीन में तो कुछ लोग जिंदा चूहा खा रहे हैं, तो इसीलिए शायद आप फैमिली के साथ ना देख पाए। अभी एक एक्शन थ्रिलर मूवी है तो इस मूवी का ध्यान सबसे ज्यादा एक्शन के ऊपर रखा गया है, मेरा मतलब है कि इसमें बहुत सारे तरीकों का एक्शन आपको देखने मिल जाएगा। हैंड टू हैंड कमेंट वाला सीन हो या एक तलवार से गर्दन काटने वाला सीन हो और जॉम्बिस को गोलियों से छन्नी कर देने वाला सीन्स हो, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और हाँ, इसके अंदर जॉम्बिस भी देखने मिलते हैं, वो भी एक अलग प्रजाति के, छिपकली टाइप के। मैं क्यों कह रहा हूँ वो ये मूवी के अंदर देख लेना, एक्शन तो आपको दबा के देखने मिलता है। एक्टिंग की बात की जाए तो एक्टिंग डिसेंट है, हीरो और बाकी सब कास्ट ने भी अच्छा काम किया है। और इसके VFX CGI इतना खराब भी नहीं है, इतना अच्छा भी नहीं है, एकदम नॉर्मल अच्छा लगता है इसके बजट के हिसाब से। जब मुझे नोटिफिकेशन मिला नेटफ्लिक्स पे ये मूवी आई है, सिर्फ मूवी का हीरो मैडंग सुक को देखकर मूवी देखना स्टार्ट किया, क्योंकि इनके मूवीज ऑलमोस्ट अच्छे ही होते हैं। स्टार्टिंग में एक डॉक्टर को दिखाया जाता है कुछ अजीबो गरीब एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है जो अपने मरी हुई बेटी को बचाने के लिए, तभी भूकंप आ जाता है, सभी बिल्डिंग गिर जाती है, वो डॉक्टर भी गिर कर मर जाता है। तभी से मुझे और भी इंटरेस्ट बन गया मूवी में। आपको जॉम्बी मूवीज या बहुत सारे एक्शन वाली मूवीज या सुपर ह्यूमंस मूवीज देखना पसंद है तो ये मूवी आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। तो आप लोग ऑलरेडी मूवी देख रखी है तो आप लोगों को कैसी लगी ये मूवी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे और भी मूवीज सीरीज रिव्यूज और रिकमेंडेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।